तुम्हें शाहरुख को फांसी हो जाएगी तो विनय दुबे जैसे सैकड़ों लोग बोलते रहे क्या फर्क पड़ जाता। लेकिन आपको पता है कि आप लोगों की जो पोल है वो खुलने जा रही है। आप पूरा ट्वीट उठा लीजिए, लव जिहाद से भरा पड़ा था ये मामला। लव जिहाद कहाँ लिखा हुआ है पुलिस के डायरी में दिखा दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नाम की एक ऐसी पार्टी है जो लाश के ऊपर भी राजनीति करना जानती है। स्वागत है आप सभी को। दुमका शाहरुख अंकिता केस का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है दोस्तों। एक के बाद एक उस केस के ऊपर राजनीति कर रहा है, खासकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी नेताओं ने। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मालूम है जब ये घटना घटा था तभी पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरंडी बता दिया था कि शाहरुख और उसका दोस्त आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों उसके बाद जो है कि अभी लेटेस्ट खबर है कि बीजेपी के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता नीतू झा ने खुद अपने सगे भाई से बोलकर महाराष्ट्र पुलिस का नाम लेकर उनको धमकी दे रहा था। और किस तरह से ये मामला सामने आया है और क्या कुछ पूरा जानकारी है, विनय दुबे भाई आप लोगों को जानकारी देगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों मैं विनय दुबे मुंबई से। एक पुरानी कहावत थी, चोर के दाढ़ी में तिनका। आज आपके सामने है लाइव। एक लड़की का देहांत हो जाता है, उसको जलाकर मार दिया जाता है। एक राजनीतिक पार्टी को लगता है कि इससे बढ़िया मौका कुछ हो ही नहीं सकता। लड़की की चिता जल रही है, चलिए उस पर राजनीतिक रोटी सेका जाए। घटना के 4 घंटे के अंदर अंदर आरोपी पकड़ा जाता है, पुलिस उसको जेल ले जाती है, इलाज के लिए बच्ची अस्पताल चली जाती है, केस ख़त्म था। जिसका बच्ची ने नाम लिया वो गिरफ्तार हो गया 4 घंटे में और जेल चला गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नाम की एक ऐसी पार्टी है जो लाश के ऊपर भी राजनीति करना जानती है। उन्होंने अपनी महिलाओं को कहा कि नहीं नहीं, इतना जल्दी ये केस ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसका फ़ायदा हमें राजनीतिक तौर पर लेना है। उसी समय सरकार, झारखंड सरकार राजनीतिक संकट से गुजर रही थी। हेमंत सोरेन अपने सारे विधायकों को लेकर दूसरे राज्य में थे। इससे अच्छा राजनीतिक माहौल भारतीय जनता पार्टी को मिल ही नहीं सकता था। एक खुला नंगा नाच झारखंड दुमका की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी ने किया। वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की जो नेताएं थीं, नेत्रियाँ थीं, इन्होंने इस मौके का भरपूर इस्तेमाल किया। कोर्ट बार काउंसिल ने घोषणा कर दी कि कोई भी वकील इस केस को नहीं लेगा। पुलिस ने अपनी तरफ से आरोपी शाहरुख को पनाकर उसी के आसपास पूरी कहानी गढ़ दी। तो बचता क्या था, केवल राजनीति करना। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी आगे आते हैं, जो उनके मन में आता है वो कहानी गढ़ देते हैं। आपके स्क्रीन पे ये ट्वीट दिख रहा है, इसमें बाबूलाल मरांडी ने 30 अगस्त को ही कह दिया था कि इनका आतंकवादी संगठन से संबंध है। लेकिन जब केस डायरी हमने पढ़ी, उनके वकील ने भी पढ़ी होगी, मैं बोलता हूँ बाबूलाल मरांडी जी से कि आप एक जगह ये शब्द मुझे केस डायरी में दिखा दीजिए। या तो आप झूठ बोल रहे थे, इतना बड़ा पूर्व मुख्यमंत्री होकर, इतने बड़े उच्च पद पर होकर आपने झूठ बोला कि शाहरुख और नईम का संबंध आतंकी संगठन से है जो बांग्लादेश में हत्याएं करता है। दिखा दीजिए एक प्रूफ अपने ट्वीट पर कि पुलिस जांच में ये कॉलम में, ये केस डायरी के नंबर में पुलिस ने जांच की और ये आतंकी संबंध निकले हैं। पुलिस की पूरी केस डायरी में, चार्जशीट में आतंकवादी संगठन, आतंक तक का शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्यों गुमराह कर रहे थे बाबूलाल मरांडी जी झारखंड को? जिस तरह से आप पहले जब भाजपा ही नहीं हुआ करते थे तब आप कहते थे कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन भाजपा नहीं जाएंगे, फिर भाजपा, फिर बाहर, फिर भाजपा, फिर मुख्यमंत्री, आपके शब्दों पे झारखंड क्यों विश्वास करे? एक जली हुई बच्ची के लाश पर आपने राजनीतिक रोटियां से की। आपकी जो महिला मोर्चा की अध्यक्षा है नीतू झा और बाकी जो सैकड़ों कार्यकर्ता थे, उन्होंने क्या नारे लगाए थे आपको पता है? जरा देखिए। हाँ तो बाबूलाल मरांडी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप इन नारों का समर्थन करते हैं? 2 सवाल हुए आपसे अभी तक। पहला, वो जो आतंकवादी संगठन से शाहरुख और नईम जुड़े थे उसका केस डायरी का वो पन्ना, वो स्टेटमेंट कृपया आप ट्वीट करिए, या तो झारखंड की सरकार से,
झारखंड के लोगों से माफ़ी मांगी है कि मैंने झूठ बोला था। दूसरा, ये जो नारा लग रहा है कि देश के गद्दारों को, इसका आप समर्थन करते हैं या नहीं, ये आप जनता को बताइए। तीसरा, देश का गद्दार कौन है? वो जिसने पुलवामा घटना कराया था कि ये जिसने एक लड़की को जला दिया? आपका कहने का मतलब देश जानता है कि आप मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर कर उन्हें गद्दार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूरा ट्वीट उठा लीजिए, लव जिहाद से भरा पड़ा था ये मामला। लव जिहाद कहाँ लिखा हुआ है पुलिस के इशारे में दिखा दीजिए। आपका हर एक ट्वीट में झूठ भरा हुआ है। कब तक झारखंड की जनता को आप बेवकूफ़ बनाएंगे? बाबूलाल मरांडी जी पूर्व मुख्यमंत्री जी इस समय मैदान में हैं कि उनको दिखाई दे रहा है कि हमने जो रणनीति तैयार की थी, हमने जो झारखंड को अस्थिर करने के लिए, वहाँ के लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत बोने के लिए जो माहौल तैयार किया था, एक लड़का मुंबई में बैठकर उस सारे सपने को चकनाचूर कर दिया। वो हिंदू मुसलमान नहीं होने दे रहा है, शायद यही तकलीफ थी आपके पेट में। अगर आप गलत नहीं होते तो आप निश्चिंत घर बैठे होते, आपको क्या था? जब आपको पता है कि सारे सबूत मिल चुके हैं, गवाह शाहरुख के खिलाफ है, बस अभी कुछ पल में शाहरुख को फांसी हो जाएगी, तो विनय दुबे जैसे सैकड़ों लोग बोलते रहें क्या फ़र्क पड़ जाता? लेकिन आपको पता है कि आप लोगों की जो पोल है वो खुलने जा रही है, इसी की वजह से ये बिलबिलाहट आप लोगों को दिखाई दे रही है। एक बड़ा सा पोस्ट बाबूलाल जी ने बड़ी मेहनत के साथ अपने फेसबुक पोस्ट पे किया, जरा देखिएगा। ये इसमें लिखा है, दुमका में शाहरुख द्वारा अंकिता को पेट्रोल से जलाकर मार दिए जाने की लोमहर्षक घटना, मामले में न्यायालय त्वरित सुनवाई कर रही है। मतलब इन्होंने मान लिया है कि शाहरुख ने ही अंकिता को जलाया है, जब तक मामला अभी लंबित है। ये अपनी तरफ से डिसीजन दे चुके हैं कि दुमका में शाहरुख द्वारा अंकिता को पेट्रोल से जलाकर मार दिए जाने की, मतलब खुद जज बन चुके हैं बाबूलाल मरांडी। और अगर इस पे कोई सवाल कर दे तो वो गवाहों को प्रभावित कर रहा है। आगे आते हैं, दूसरी तरफ एक ब्लॉगर रोज़ धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर गवाहों को डराकर मुकदमे को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। बाबूलाल मरांडी जी, वही ब्लॉगर रोज़ बैठकर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर पुलिस ने जो चार्जशीट, जो केस डायरी अदालत में रखी है उसे पढ़ता है। अगर उसका मतलब आपको ये धमकी देना होता है, या फिर अगर उसकी बातों पे आपको विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब आप अपने ही झारखंड पुलिस की जो जांच हुई है उस पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं केवल केस डायरी में लिखी हुई बातों को सबूत के साथ स्क्रीन पे वो पत्र प्रदर्शित करके बताता हूँ, इस घटना में ये हुआ, ये चीज़ें हुई हैं, ऐसा हुआ है। अगर आपको लगता है कि वो धमकी है या वो चीज़ें सही नहीं है, इसका मतलब पुलिस ने जो लिखा है वो गलत है, आप सीधे सीधे उस झारखंड पुलिस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं जहाँ के आप मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी पुलिस के ऊपर इस तरह की विश्वसनीयता खोने का आपको थोड़ा सा भी गम होता है? यही झारखंड पुलिस आपको सुरक्षा दे रही है जिसमें घूम के आप बाकायदा अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। वो झारखंड के डीजीपी मुंबई पुलिस के नाम का गलत इस्तेमाल कर आतंक पैदा करना चाहता है। कैसा आतंक पैदा होता है सर? आतंक किसको कहते हैं ना, आपकी नेताओं ने दिखाया है कि देश के गद्दारों को गोली मारो की बात कर रही हैं, वो आतंक नहीं है। एक तीन महिलाएं और संजीव कुमार जो अंकिता का पिता है, ये अदालत के प्रीमाइसेस के अंदर, दुमका अदालत के अंदर वीडियो बनाते हैं कि विनय दुबे मेरे सामने आ जाता तो पता नहीं मैं उसका क्या कर देता, वो वापस नहीं जाता। महिला अध्यक्ष आपकी कहती हैं कि चप्पल से उसे हम इतना मारेंगे एक बार दुमका हमारे हाथ आ जाए, ये आतंक नहीं होता है। आतंक ये होता है कि मुंबई में बैठा हुआ यूट्यूब ब्लॉगर अगर ये कह दे कि संजीव कुमार ने अपनी नाबालिग बच्ची जो कि 17 साल 5 महीने 6 दिन की बच्ची है, उसका एक 24 साल के लड़के से शादी कराकर उसका शारीरिक शोषण करवाया है, मैं उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर रहा हूँ, जिसमें कि माननीय डीजीपी साहब को मैंने पत्र भेजा है कि आपके राज्य के अंदर एक लड़की, नाबालिग लड़की जो 17 साल 5 महीने 6 दिन की है, उसके साथ गलत हो रहा है, उसकी ज़बरदस्ती शादी कराकर उसका शारीरिक शोषण हो गया है, इसके आरोपियों को आप गिरफ्तार करें, तो वो गवाहों को डराना हो जाता है, ये आतंक फैलाना हो जाता है। मतलब इसका यह है कि संजीव कुमार ने अपनी जो नाबालिग बच्ची 17 साल 5 महीने की बच्ची है, उसको किसी भी 24 साल के आदमी के साथ शादी करके उसका शारीरिक शोषण करवा दे, उसका आप समर्थन करते हैं? क्या आप बाल विवाह का समर्थन करते हैं बाबूलाल मरांडी जी? जिसके साथ आप खड़े हैं उस इंसान ने एक नहीं दो दो कृत्य किए हैं। पहला अपनी नाबालिग बच्ची का शादी करा दिया, दूसरा अदालत के अंदर अपनी बच्ची के जन्म तिथि को लेकर गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसकी वजह से एक लड़का दुमका का ही पॉस्को एक्ट के अंदर कितने महीने जेल रहा,
आपने उस पर सवाल नहीं किया। खैर हो सकता है आपकी जानकारी में ना हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको थोड़ी बताएगा कोई, वो तो अपना ही एकदम पीड़ित वाला पक्ष दिखाएगा, लेकिन उसने अपराध किया है वो आपको नहीं पता होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि इतना शेयर करिए कि बाबूलाल मरांडी जी तक ये बात पहुँचाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं हूँ शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, और देखते रहिए सच झारखंड टीवी।